हाँ भैया, एक चीज बताएं कि अभी आप जो है जिला पंचायत में आई हुई हैं और कांग्रेस पार्टी का आप जो है चुनाव अनुसार पंजा के उम्मीदवार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे आम वोटर के लिए और क्या प्रशासन द्वारा क्या किया जा रहा है कैसे? निश्चित तौर पर मैं सभी प्रतापगढ़ सदर विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ कि जाति से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर सभी ने नीरज को चुनने का फैसला कर लिया है। तो यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है। और रही बात यहाँ के विकास की, तो निश्चित तौर पर अगर जनता मुझे चुन के ले आती है तो प्रतापगढ़ सदर विधानसभा में सभी को गर्व होगा कि मैंने अपना मत दिया है तो किसी विधायक को चुना है। यहाँ 60 फीट की चौड़ी सड़क जो है रामपुर जैसी नहीं है, कोई भी सड़क सब गड्ढा मुक्त नहीं है, गड्ढा युक्त है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जनता बहुत परेशान है गड्ढे से। योगी आदित्यनाथ जी की जब सरकार बनी थी उसके पहले उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त की जाएंगी, लेकिन आज स्थिति यह है कि पहली ही बारिश में पूरी सड़क ध्वस्त है। आप कहीं भी जाइए सड़क का नामो निशान नहीं रह गया। इतनी खराब सड़क तो गांव में नहीं है, पूरे शहर में। और ये जो है आपका घोटाला कई प्रकार के हुए हैं, करोड़ों रुपए का घोटाला सड़क से लेकर के यहाँ नगर पालिका में निधि आई और वो जीरो हो गया, यहाँ कोई काज भी नहीं हुआ। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो है सबसे बड़ा दुर्भाग्य प्रतापगढ़ का यह है कि इसके पहले जो विधायक थे वो महोदय अपनी निधि खर्च नहीं कर पाए और वो निधि वापस लौट गई। तो ये प्रतापगढ़ का भी दुर्भाग्य है और हम सबका दुर्भाग्य है। दूसरा कि प्रतापगढ़ में विकास की जो बात आप कर रहे हैं, ये कोई विकास हुआ ही नहीं है। चाहे वो विधायक रहे हों, आज वो सांसद हो गए हैं, कहीं कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो केवल गाड़ियों के साथ घूम रहे हैं, उनसे कोई पब्लिक से सरोकार नहीं है, पब्लिक उनके पास जाती है, वो काम नहीं करते हैं। किसान बहुत परेशान है और छुट्टा जानवरों से, विशेष का गन्ना जानवरों से किसान परेशान है। और इसके बारे में क्या कहेंगे आप? छुट्टा जानवर भाजपा फेल है इस मामले में। लोग अपनी माँ मानते हैं गाय को। मैं तो कहता हूँ कि आप पूर्ण बहुमत से सरकार है, राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित करते भाई आप? अच्छा नहीं घोषित कर रहे हैं, आप गौशाला बना रहे हैं चारों तरफ, गौशाला में गाय क्यों नहीं रह रही हैं? और जहां रह भी रही हैं वहां पे आपको चारा क्यों नहीं दिया जा रहा है? करोड़ों रुपए ये सरकार के दलाल खा ले रहे हैं, गाय को चारा मिल ही नहीं रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो करोड़ों रुपए ये दलाल खा लेंगे तो गाय हमारी मरेगी। हमारे यहाँ जानवर मर रहे हैं। अभी 15 दिन पहले 76 गाय प्रतापगढ़ से ख़त्म हो गई, मर गई, उनकी हाय लगेगी इस सरकार को। आने वाले समय में ये बिल्कुल ही नष्ट नाबूद हो जाएंगे। आपका शुभ नाम और किस पद पे है? डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, मैं प्रत्याशी हूँ सदर विधानसभा का और प्रदेश अध्यक्ष हूँ युवक कांग्रेस उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। समोसा मोटर दुकान है।